हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जनता गैराज। अच्छा गैराज वाला आज आपके लिए लाया होंडा वेन्यू एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट पेट्रोल टर्बो में 1 लीटर का इंजन है इसमें। और ये काफ़ी फ्रंट लुक है, कुछ ना कुछ नई जनरेशन के हिसाब से आजकल चीज़ें आ रही हैं। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो पहले हेडलाइट्स यहाँ पे माउंटेड रहती थी, अब थोड़ा सा लोग चीज़ें बियॉन लेवल पे जा रही है तो हेडलाइट्स नीचे कर दी है। और इसमें यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप्स भी कार लॉक हो चुकी है, अनलॉक हुई थी। यहाँ पे आपको इसमें इंडिकेटर मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, DRLs है। इनमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही जो DRLs है वो आप स्टार्ट करोगे तब नहीं ऑन होंगी, बट जब आप हैंड ब्रेक डाउन करोगे तब ऑन होंगी। इसमें साइड व्यू के लिए भी एक जो लैंप है वो मिला है। और यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप है, और जो इसका प्रोजेक्टर है बहुत मतलब बहुत स्मॉल साइज़ में, बहुत ज़्यादा स्मॉल है और बहुत ज़्यादा एनहेंसिंग लुक बनाता है काफ़ी। मेरे को बहुत पसंद आया इसका जो प्रोजेक्टर है उसे देखने में। यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का ट्रीटमेंट है प्लस में, जो कि यहाँ पे थीम है कार की, ये प्लस वाला यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे ग्रे टाइप की फिनिश है और लुक बहुत ही एनहेंसिंग लुक है, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लुक लगी है इस कार की। और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप पहले से अब तक कंपैरिजन मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो पहले इतना बड़ा लोगो नहीं आता था Hyundai का, जितना बड़ा अभी इसमें लोगो दिया है, बहुत बड़ा लोगो है। मिनी टक्सन में भी पहले इतना बड़ा लोगो नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा लोगो है। और लुक बहुत ही अच्छी है, कॉम्पैक्ट SUV में मेरे को वन ऑफ दी बेस्ट कार लगती है, क्योंकि इको स्पोर्ट है। हालांकि अभी उसका नया जनरेशन भी आ चुका है, मतलब फेसलिफ्ट मॉडल आया है, नया जनरेशन नहीं कह सकते हम, फेसलिफ्ट मॉडल आया है, बट स्टिल वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अभी ये आई है और किया सोनेट आई है, किया सोनेट भी अच्छी है, बस लुक का थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो किया और Hyundai का तो टाइप है, तो अधिकतर टेक्नोलॉजी और मटेरियल सब कुछ सेम, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ सेम यूज़ होता है। और एक और चीज़ बिल्ड क्वालिटी से याद आया, जो इसमें आपको चेंजेस दिखेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ तो कहीं से बाद में। हाँ, यहाँ से इधर आप आओगे तो ये देखो इसका ये पेंट छूटा हुआ है, ये लग अभी ब्रांड न्यू कार है, करीबन हफ्ते दो हफ्ते हुए होंगे बट लग गई किसी से। तो जो इसका ये प्लास्टिक है, बम्पर प्लास्टिक है, वो वाइट वाला प्लास्टिक है, तो मतलब बम्पर मटेरियल भी चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी कितना हैवी है कितना नहीं वो तो लगने के बाद ही पता चलेगी। और लुक वगैरह से मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और ये SX ऑप्शनल है, इसमें आपको पुश बटन नहीं मिलेगा, नॉर्मल की मतलब क्या कहते हैं रिमोट की मिलेगी। और इसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन का ऑप्शन मिलेगा, सनरूफ मिलेगा आपको कार में। और जैसे कि आपने देखा होगा i20 के भी टॉप एंड वेरिएंट पे, मतलब Hyundai के जितने भी टॉप एंड जिसमें पुश बटन है उसमें क्या रहता है कि जैसे ही आप कार रिलीज करोगे तो जो साइड मिरर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है। ये थोड़ी सी मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए जब आप बियॉन्ड लेवल पे जा रहे हो, तो मतलब अगर एक और टॉप वेरिएंट होता तो उसमें होती। इसमें स्मार्ट भी नहीं है जो आप मतलब अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो कार को और ये सब चीज़ें। और अब टायर साइज़ की बात करें तो 16 इंच का आपको इसमें अलॉय व्हील मिल रहा है, तो मतलब पहले प्रॉपर जो SUVs आती थी जैसे कि Hyundai Tucson है, मेरी Hyundai Tucson में 16 इंच का अलॉय व्हील है, आजकल कॉम्पैक्ट SUV में 16 इंच का अलॉय व्हील दे रखा है। 16 मेरी जो Tucson है उसमें 215 ही है, ये आई थिंक 65 है और R16 है। और यहाँ पे आपको फेंडर्स में या फिर व्हील आर्चेस में प्लास्टिक की लाइनिंग मिलेगी पूरी, जो एक फेंडर लाइनिंग होती है वो पूरी की पूरी जा रखी है, बट ये मतलब जो मैट प्लास्टिक है ये इसका नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि अगर मतलब कार या गंदी वगैरह हो जाती है वाइट पड़ जाता है ये, मतलब अभी कुछ टाइम में अभी तो थोड़ी ब्रांड न्यू है बट अभी भी वाइटनेस है। तो अगर ये ग्लॉस ब्लैक हो, हाइड्रो डिप करा ले, या फिर अगर आपको कस्टमाइजेशन करानी है तो ये सारा का सारा पीस अगर आप हाइड्रो डिप कराओगे, हाँ थोड़ा कॉस्टली होगा बट लुक काफ़ी एनहेंसिंग आएगी और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लुक लगेगी। और उसमें क्या है कि फिर आपको पॉलिश वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ग्लॉस ब्लैक या और भी जो भी आपके पास क्या कहते हैं ऑप्शंस है हाइड्रो डिप में वो आप करा सकते हैं। आपको यहाँ पे इंडिकेटर माउंटेड मिलेगा OVMs में, ये भी यहाँ से मार दी। और ऑटो फोल्डेबल है, वैसे OVMs जो है वो ऑटो फोल्डेबल है, अंदर से ही आप फोल्ड कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आपको बटन भी नहीं मिलेगा SX ऑप्शनल में, जो कि आप मतलब कि आपकी वो पुश बटन में मिलेगा, वो सारे फीचर्स आपको पुश बटन में मिलेंगे जैसे ही आप कि आपकी जेब में आ पाए। और जैसे ही उसमें तो मतलब i20 में तो ये वाला ऑप्शन भी है कि जैसे ही आप पास आओगे तो आपके जो OVMs है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसके पास जाके फिर क्या कहते हैं कार बटन दबाओगे और अनलॉक हो जाएगी, और दूर जाओगे कुछ मतलब रिमोट को लोगे और तो कार ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी।
मतलब बहुत बियॉन्ड लेवल के उसमें फीचर्स हैं। यहाँ पे प्लास्टिक का पोर्शन है, ये कोई जो पिलर है इसमें ये ऊपर से प्लास्टिक का पोर्शन यूज़ किया है और बिल्कुल ग्लॉस ब्लैक है। जो मैं यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक की बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा होगा एक्चुअली। तो चीज़ें और एनहेंसिंग आएगी। रूफ रेल्स है, सनरूफ है, डिसेंट साइज में सनरूफ है, मतलब कार के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। और साइड प्रोफाइल भी आप देख लो तो काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी में बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप लेकर जाते हो। और इसमें 1 लीटर में, मतलब आजकल वैसे डीजल में तो आपको बताइए 10 साल हो चुकी है, और अगर कोई लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाला बंदा है तो उसके लिए यही सजेस्ट है कि वो पेट्रोल पे जाए। पेट्रोल में बहुत बेस्ट ऑप्शन है, 1 लीटर में टर्बो के साथ मिल रहा है, तो मतलब वही आप 1.3 लीटर तक की पावर ही निकालेगा जो इंजन है, तो बेस्ट है। मतलब डीजल आज के टाइम पे मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले बंदे हो कि कार 10-15 साल यूज़ करते हो तो आप डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए जाओ, डीजल के लिए मत जाओ, क्योंकि डीजल में अब 10 साल ही रह चुकी है। और 10 साल में आप मेरी टक्सन देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी 15 साल हो चुके हैं और अभी भी गाड़ी की मिंट कंडीशन है बिल्कुल। तो बट क्या करें, चला नहीं सकते आप। और अब आते हैं कार पे, तो वही है, मतलब पेट्रोल वर्जन बेस्ट है, ये पेट्रोल में ही है सबसे ऑप्शन। कस्टमाइजेशन की भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि अगर आप ये चीज़ें कस्टमाइज़ कराते हो तो चीज़ें एनहेंसिंग और ज़्यादा लगेंगी, सेक्सी लगेंगी। तो अगर आप इसकी रूफ रैप कराते हो तो वो भी बहुत सही ऑप्शन है। जो रूफ रैप मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ से और ये और यहाँ से ये चीज़ पूरी स्पॉइलर के साथ पूरी ये वाला पोर्शन ऐसे ही उस तरफ से, और इसमें आप ब्लैक करा लो, ब्लैक हालांकि थोड़ा कॉमन है, रेड करा लो, ब्लू करा लो रॉयल ब्लू, और भी जितने भी डार्क कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एनहेंसिंग लुक लाते हैं इसमें और सेक्सी लगती है कार। ब्लैक तो थोड़ा ये है कि कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप देखोगे हर गाड़ी पे अगर रैप्ड है अगर रूफ तो ब्लैक में ही मिलेगी और किसी दूसरे में नहीं मिलेगी। हाँ अगर आपको कुछ बियॉन्ड लेवल पे करना है तो आप ब्लू करा लो, रेड करा लो, रेड भी बहुत अच्छा लगेगा, ब्लू भी बहुत अच्छा लगेगा, और ग्रीन करा लो, डार्क ग्रीन करा लो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सेक्सी लगेगी लुक उसमें। गाड़ी ये पहली बार लॉन्च हुई थी तो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को कहीं ना कहीं जो गाड़ी की लुक है, जो बॉडी लाइंस है, वो मेरे को वॉल्वो XC40 से रिलेट करी थी। जैसे कि आप व्हील आर्चेस देखोगे ये मेरे को वॉल्वो XC40 से रिलेट करते हैं। ये वाला जो कर्व है बूट टेलगेट में, ये वाला कहीं ना कहीं वॉल्वो XC40 से रिलेट करता है। व्हील आर्चेस और ये जो बॉडी लाइंस है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वॉल्वो XC40 से रिलेट करती है। एक और चीज़ है इसका, जैसे कि ये जो बोनट है ये इधर तक कर्व में आ रखा है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो उसका है वॉल्वो XC40 का है वो भी यहाँ तक इधर तक है उसका भी जो बोनट है, तो मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को लगा था कि वॉल्वो XC40 से कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करती है। और बूट की यहाँ पर आपको वेन्यू का लोगो, वेन्यू की बैजिंग मिलेगी, हुंडई का लोगो मिलेगा, टर्बो की बैजिंग मिलेगी, 1.0 में टर्बो इंजन है, SX की बैजिंग मिलेगी, SX वेरिएंट है इसका। और आप रिमोट से ही जो टेल गेट है उसको अनलॉक कर सकते हो, टेल गेट खुलेगा नहीं, हो चुका है क्यों, ये इसका 350 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिलेगा, हालांकि पूरा कवर्ड हो चुका है इसमें, क्या कहते हैं कि कर्स की पेटी रखी हुई है म्यूज़िक सिस्टम की, और यहाँ पे इसमें 2 एम्प है, JBL के स्पीकर्स हैं, अच्छा खासा म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है। इसकी जो टेल लाइट्स हैं अब लॉक हो चुकी है, जो टेल गेट है वो लॉक हो चुका है, मतलब जब आप इसे अनलॉक करोगे सिर्फ टेल गेट को तो 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको दोबारा से अनलॉक करना होगा। और इसकी जो टेल लाइट्स है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लुक में लगी है, मतलब जो भी इसका थीम से काफ़ी ज़्यादा कार से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, एक सेक्सी लुक है, मतलब पूरी एक सेक्सी लुक बनाती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है ये। इवन तो मेरे को जो सोनेट आई है उसकी फ्रंट लुक इतनी अच्छी नहीं लगी है जितनी इसकी है। और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंस, सॉरी यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे आपको। SX में आपको ठीक ठाक ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, बस जो स्मार्ट थिंग्स है वही मिलेंगी। और इसमें आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा, और अंदर चल के देखते हैं अब क्या सीन है कार के। जब आप अनलॉक करोगे तो दो बार हॉर्न बीप करेगा, और लॉक करोगे तो एक बार,
और ये इसके डोर पैनल से जो डोर हैंडल्स हैं वो भी मेरे को काफ़ी मतलब लुक में काफ़ी अच्छे लगे हैं, और लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। पावर विंडो है इसमें आपको, और मतलब कहीं डुअल टोन में कहीं डुअल टोन का ऑप्शन नहीं है, ना ही कहीं सॉफ्ट मतलब अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन नहीं है, ना डुअल टोन का है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव है। टोटली ब्लैक है, आई थिंक वो टॉप वेरिएंट के लिए जाओगे तो तब आपको मिलेगी। बोतल होल्डर मिलेगा इसमें आपको, और एक स्पीकर मिलेगा डिसेंट साइज़ का, और बोतल होल्डर है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है, एक चीज़ देखोगे आप, मैं ऐसे भी बैठा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम है स्पेस जो है अंदर जाने का, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और लेग रूम भी थोड़ा कम है, मतलब क्योंकि सीट आगे हुई ओर है, मतलब नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि लेग रूम कम है। इसमें जो आपको लेग रूम है वो भी थोड़ा ठीक ठाक मिलेगा, ना ज़्यादा कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। वैसे मेरे को थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि जो ये सीट है ये भी थोड़ी आगे हुई ओर है, तो उसके हिसाब से थोड़ा कम है, नहीं तो जो सीट है यहाँ पर आ जाएगी। तो लेग रूम ठीक है, मतलब वैसे आप हैचबैक के लिए जाओगे उससे अच्छा आप इसके लिए जाओगे तो थोड़ा सा ठीक ठाक आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी इसमें आपको, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, और नीचे आपको 12V का सॉकेट मिलेगा, और यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन है। एक और चीज़ है कि इसमें जो आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा पीछे, ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे को नेगेटिव लगी है। और वैसे हेडरेस्ट वगैरह मिलेंगे आपको, दो हेडरेस्ट मिलेंगे, तीन हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, दो हेडरेस्ट मिलेंगे, ठीक है हेडरेस्ट भी। और वैसे सीट की साइज़ वगैरह भी ठीक है, मतलब ठीक ठाक बैठ सकते हैं। और मैं आपको और ये है हुंडई वेन्यू का इंटीरियर, डैशबोर्ड भी मतलब बिल्कुल ही एक टोटली चेंज लुक में है, जैसे कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है ब्रांड्स में, ब्रांड्स की गाड़ियों में, वो चीज़ें नहीं है, मतलब टोटली एक नई जनरेशन में पूरा प्रॉपर निकाला है। एसी वेंट्स है वो अलग है बहुत ज़्यादा, और सब चीज़ें एक मतलब बिल्कुल प्रॉपर उसमें है। बट मेन चीज़ है कि सिंगल टोन में आपको पूरा का पूरा इंटीरियर मिलेगा, कहीं भी आपको डुअल टोन नहीं है, बट थोड़े बहुत सिल्वर फिनिश मिले हुए हैं आपको एसी वेंस पे, और कहीं एस सच कोई यहाँ पे डुअल टोन का ऑप्शन नहीं है, ना ही पूरे डैशबोर्ड पे कहीं डुअल टोन का ऑप्शन है। तो और ये सनरूफ है इसका, सनरूफ भी अच्छे खासे साइज़ में है। हेडरेस्ट भी इसके काफ़ी छोटे हैं, जो सीट्स के हेडरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, बट ठीक है डिसेंट साइज़ है। इसके ओ आर वी एम्स पे इंडिकेटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लुक काफ़ी अच्छी है, मेरे को काफ़ी सेक्सी लगी है, चलने में काफ़ी अच्छी लगती है सब। आई थिंक एक ही LED है इसमें मेरे हिसाब से, बट अच्छी काफ़ी लगती है। इसके डोर हैंडल्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लोग पूरे एक ना साइज काफ़ी बड़ा है डोर हैंडल्स का, जो डोर हैंडल्स ये सब चीज़ें होती हैं ये थोड़ी कार को छोटे होते हुए भी ऐसा लगती है कितनी बड़ी कार है। मतलब चीज़ें वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे भी कितना कम स्पेस है, और वैसे बट स्टिल मेरे को ये ऐसा लगता है कि जैसे कितनी मतलब ठीक ठाक है, कॉम्पैक्ट नहीं है ये, एक प्रॉपर ही SUV में आएगी, बट है एक कॉम्पैक्ट, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा स्पेस वगैरह कम है, जो इसका डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी छोटा है, वो अंदर चल के बात करेंगे। उसको इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन में क्या स्पेसिफिकेशन है। बात करें इंजन की तो 1 लीटर का इंजन है, 1000 cc का इंजन है इसमें, जो प्रोड्यूस करता है 118 BHP की पावर एट 6000 RPM, 171 Nm का टॉर्क एट 1500 to 4000 RPM, तो मतलब ठीक ठाक है। 1 लीटर का इंजन है इसमें, और उसके साथ साथ पावर टर्बो चार्जर इसमें लगा हुआ है, पहले इसी में ही आता था, मतलब पहले डीजल में ही आता था, अब पेट्रोल में भी आ रहा है। इसमें टर्बो चार्जर नहीं होता पेट्रोल इंजन में, तो 1.2, 1.3 या 1.5 लीटर्स का इंजन होता, बट टर्बो चार्जर लगाने से इंजन की जो CC है जो पावर वो घटाती, तो उससे क्या है कि उससे आपकी जो माइलेज है वो बढ़ जाती है, और ये अराइज सर्टिफाइड पे 18 KMPL की माइलेज दे रही है, प्लस 18+ KMPL की माइलेज दे रही है, तो ठीक ठाक है। वैसे मैंने अभी आई थिंक मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो देखी है वो 13 KMPL की है, क्योंकि लोकल में चलती है कार तो ये इतनी आती है, पेट्रोल में या तो एकदम ही प्लस में जाती है एकदम ही माइनस में जाती है, मतलब डिफरेंस लोकल टू हाईवे का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप हाईवे पे बिल्कुल स्टेबल में चलाओगे, बिल्कुल कांस्टेंट चलाओगे, तो काफ़ी अच्छी खासी माइलेज आ जाती है,
और लोकल में कमी आती है। डो पैनल की बात करें तो सेम है, सिंगल टोन में आपको डो पैनल मिलेगा, यहाँ पे कोई अपॉल्स्ट्री फिनिश नहीं मिलेगी आपको, ऑल फोर पावर विंडोज मिलेगी, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा और ओआरवीएम्स कंट्रोल मिलेंगे आपको, ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिलेंगे आपको। एक और चीज़ है इनमें, मतलब कोई बंदे इसको ना मतलब हाथ से ही कर देते हैं तो वो ना करें, क्योंकि इसके जो गियर्स हैं जो इनको घुमाते हैं अगर वो टूट जाएंगे तो फिर आपको पूरा का पूरा ओआरवीएम नया ही डालना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने अभी देखा था तो अभी इसका एक ओआरवीएम फोल्ड कर रखा था, एक नहीं हो रखा था, वो हाथ से कर रखा था। और यहाँ पर आपको स्पीकर मिलेगा, एसी वेंट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं इसके जो एसी वेंट्स है, एक अलग ही मतलब अलग ही थीम दी है कार में, जैसे कि एसी वेंट्स के डिज़ाइन वगैरह है। स्टेयरिंग भी काफ़ी छोटा दिया है इसमें और अभी तो टाइट है, वैसे इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग कवर स्टिच मिलेगा आपको इसमें, क्रूज कंट्रोल मिलेगा आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पे ही, और यहाँ पे आपको म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे। तो गाइज ये आप देख रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और बीच में आपको 220 की मैक्स स्पीड मिलेगी, यहाँ पे 8000 का मैक्स आरपीएम मिलेगा, कुछ इंडिकेशंस लाइट मिलेंगी, और यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर मिलेगा लेफ्ट में, और राइट में आपको फ्यूल इंडिकेशन मिलेगी, और नीचे आपको रनिंग ऑडियो मीटर दिखाएगा 647, और यहाँ पे आपको ट्रिप भी है, और ये 16 आई थिंक ये या तो डिस्टेंस टू एम्प्टी है या फिर माइलेज है, वैसे माइलेज मेरे को ये लग रही है 11.5 की एमपीएल की ये माइलेज है, और ये इंस्टेंट माइलेज है, जब आपकी कार चलेगी तब आपको दिखाएगी। और ये 8 और 16 मेरे को आई थिंक ये लग रही है कि जो डिस्टेंस टू एम्प्टी टाइप का कुछ लग रहा है, ऊपर आपको टेम्परेचर दिखाएगा 32 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है, जैसे ही आप क्रूज़ कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो ऊपर आपको क्रूज़ कंट्रोल की भी ऑप्शन आ जाएगा, इन्फो आ जाएगी क्रूज़ कंट्रोल की। और इसमें इससे ज़्यादा वैसे और कुछ नहीं है, जैसे कि सर्विस इंटरवल और ये सब चीज़ें ये इसमें, सर्विस इंटरवल काफ़ी सारे और भी रहते हैं वो सब चीज़ें है, लाइट्स वगैरह कंट्रोल की सब ऑप्शन ही है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलेंगे, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और वॉइस कमांड का मोड्स और ये सब चीज़ें, ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है टच में, इसमें आपको ब्लूटूथ मिलेगा, मीडिया ऑल मेन्यू में जाएंगे तो मीडिया रेडियो फोन एंड आई थिंक ऑटो एंड्रॉयड मिलेगा, और एप्पल कारप्ले मिलेगा, इसमें आपको नेविगेशन नहीं मिलेगा, नेविगेशन वही आपको इसमें फ़ोन से करना होगा। और यहाँ पे इसके एसी वेंट्स है, बंद कैसे हो गई वो, और गाइज इसमें आपको ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, फैक्ट्री फिटेड है, और इसमें आपको ब्लूटूथ मिलेगा, यूएसबी मिलेगी, और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, और कुछ ऑटो एंड्रॉयड मिलेगा, एप्पल कारप्ले मिलेगा, नेविगेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको इसी से ही ऑपरेट मतलब इन एप्पल कारप्ले या फिर ऑटो एंड्रॉयड से ही आपको नेविगेशन यूज़ करना होगा। और रेडियो है, यूएसबी है, ये इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे हैजर्ड लाइट बटन है, और फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा आपको इसमें, यहाँ पे यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, यहाँ पे एसी का बटन है, ये एयर का है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पर मिलेंगी, यहाँ से आपको एयर डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, और नीचे आपको 12 वी का सॉकेट मिलेगा, यूएसबी मिलेगा, और फास्ट चार्जिंग का सॉकेट मिलेगा, और कुछ स्पेस मिलेगी यहाँ पे आपको कुछ भी रखने के लिए, और ये इतना कम स्पेस है, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि लेगरूम काफ़ी थोड़ा कम है, और वैसे ग्लो बॉक्स ठीक ठाक है। और एक और चीज़ हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि आप अगर इसका जो डैशबोर्ड है वो देखोगे तो डैशबोर्ड काफ़ी छोटा है, मतलब बहुत एसयूवीज़ का बड़ा रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका बहुत छोटा है वैसे, और उसी हिसाब से इधर तो लेगरूम ठीक है बट उधर थोड़ा कम है, मतलब सीट अगर हम पीछे करेंगे तो पीछे का लेगरूम कम हो जाएगा। और आर्मरेस्ट मिलेगा इसमें आपको, आर्मरेस्ट में ठीक ठाक थोड़ी सी मतलब थोड़ा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक ठाक स्पेस है। और ये इसके सनवाइजर्स हैं, इधर आपको मिरर नहीं मिलेगा, इधर आपको मिरर मिलेगा, और ये रीडिंग लाइट्स हैं, और यहाँ पे आपको सनरूफ ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा,
डुअल प्रेस हार्ड प्रेस पे सनरूफ पूरा ओपन हो जाएगा, और थोड़ा और कर सकते हो आप, इतना सनरूफ ओपन हो जाता है, ठीक ठाक है। और ये सनरूफ क्लोज, और यहाँ से ये बंद हो जाएंगी। ओके बात करें वेन्यू की, टेस्ट ड्राइव की, तो टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और पिकअप वगैरह मतलब 1.0 लीटर के हिसाब से बहुत अच्छा है। और जैसे कि डीजल में तो मतलब पेट्रोल में तो वैसे भी रहता है, बट जैसे कि डीजल में जब से टर्बो चार्जर आया था तो डीजल में भी एक फ्रीक्वेंट पिकअप हो चुका था ना, देखो जैसे ये है तो एकदम ही फ्रीक्वेंट पिकअप आता है इसमें भी, क्योंकि टर्बो चार्जर सीधी पावर को डबल कर देता है मतलब, और काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है टर्बो में। 1 लीटर के हिसाब से बहुत अच्छा खासा इंजन है, मतलब अगर आप पेट्रोल इंजन के लिए जा रहे हो तो ये बेस्ट है। इसमें 1.2 भी आता है इसमें, तो वो भी ठीक है। उसमें आई थिंक टर्बो नहीं होगा, बट मेरे को पता नहीं है कि है कि नहीं है, बट अगर नहीं है तो उसकी और इसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक जैसी होगी, और उसका मेरे हिसाब से कंजप्शन ज़्यादा होगा, इसका कंजप्शन इतना नहीं होगा। और अगर आप चेकआउट करोगे तो बहुत ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मैं क्रूज कंट्रोल पे चला रहा हूँ, मैं 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ आगे, और इसी से ही मैं अप डाउन कर सकता हूँ। जैसे अब मैंने 41 कर दिया, 42, 43, 44, 45, और ऐसे ही डाउन करना चाहूँगा डाउन भी कर दूँगा, ये डाउन हो चुका है। तो मतलब क्रूज़ कंट्रोल भी बहुत सही चीज़ है, क्या कहते हैं, अगर आप नॉर्मल रोड पे चला रहे हो, ऐसे रोड पे चला रहे हो तो 40 पे सेट करके, और बिल्कुल, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल में क्या रहता है कि हमारा आरपीएम सेट हो जाता है, स्पीड सेट हो जाती है, इंजन स्पीड जो आरपीएम है, इंजन स्पीड ही वो सेट हो जाती है, तो उससे क्या है कि बिल्कुल कांस्टेंट चलता है इंजन, तो हमें फिर उसमें मतलब क्या कहते हैं इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे ही ब्रेक लूँगा क्रूज़ कंट्रोल हट जाता है, ये सेंस है, तो ये भी बेस्ट है। मतलब अगर हम लोकल में भी चलाना चाहे क्रूज़ कंट्रोल 30-40 की, मतलब रोड की स्पीड देखते हुए कि इतनी स्पीड है तो हम उससे थोड़ी कम ही चलाएं, बेस्ट है। स्लो स्पीड में जाते रहो, मस्त चलाते रहो, और यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि अगर हमने सेट कर दिया तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले हमें रेस छोड़नी होगी और फिर यहाँ से कंट्रोल करना होगा। जैसे अब मैंने यहाँ से कंट्रोल किया, अब 34 पे चल रही है, अब ये चलती रहेगी 34 पे ही।